नहा धोके तैयार। आज हम जाएंगे वो एक जो पैडल बोट है उसके अंदर जो खाने पीने का प्रोग्राम है और 2-3 घंटे की क्रूजिंग है रिवर में, वहाँ जाएंगे। 10:45 का टाइम है, लगभग 10:26, 10:27 हो चुके हैं। 8 मिनट का रास्ता है, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। तो अभी वहाँ जाएंगे, इस पार्क को अलविदा कहते हैं। बाय बाय मरे ब्रिज मरीना कैंपिंग पार्क। आप आएँ तो यहाँ पे रुक सकते हैं, काफ़ी अच्छा स्टाफ है। बट सुविधाओं के नाम पे 10 में से मैं दूंगा, सुविधाएं सारी हैं, क्लीनिंगनेस और बाकी चीज़ों को देखते हुए मैं दूंगा 10 में से 7 नंबर, विच इज़ स्टिल गुड। तो चलो आगे बढ़ते हैं। कुत्ते, सॉरी कुत्ता नहीं, डॉगी जी, डॉगी जी को बाय बाय बोलते हैं। नेबरहुड है हमारे, जो पीछे थे हमारे, इनको बाय बाय बोलते हैं। देखते हैं ये अंदर है या नहीं। हेलो सर, हेलो, वी आर जस्ट लीविंग, जस्ट वांट टू से गुड बाय। पीटर्स नॉट हियर, ही आई थिंक ही मेड इट इट्स ब्लॉक। ओके दैट्स फाइन, पीटर नॉट हियर। ओके इफ यू पास माय मैसेज टू हिम, आई विल, आई जस्ट से गुड बाय टू हिम। येप, He welcomed me yesterday, first person. Our All right, pleasure. you enjoy your trip. Yeah, you too. Where are you off to now? From here, we're gonna go Adelaide, then up to Flinders Ranges. Uh-huh. What about yourself? From here, we're going across to York Peninsula. York Yeah, Peninsula. up, like from here, we'll go up the other side of Adelaide, up to Port Wakefield, and then you Okay. come down and up the other side, like it's like a boot, one of the peninsulas. Yeah. Yes, I think I know that place. So you go up to Port Pirie or Port Not Augusta that far, Port Wakefield. and then come down. Yeah, and then come down, and then we'll head across to Renmark and across that way. Yeah. Okay. Yeah, we've got a few weeks yet. Wow. Where are you traveling from? Melbourne. Melbourne, me too. Are you? Yeah. Yeah. What part of Melbourne? We live in Elwood. Elwood near St Kilda. Oh, okay. I know. Yeah, I know where St Kilda is. We're on the other side. We're on South Morang. Oh, that's On the north side. yeah. Epping, Laylor, Thomastown, South Morang, that side. that's north side. Yeah. So I lived in Thomastown for a month when I first arrived in Australia. Oh, yeah. Yeah, High Street. Yes, Yes, yep. near My train mother-in-law station. used to live not far from there, actually. Okay. Yeah. You know that it's a recreation hub for swimming, gym and Yes, everything. yes. Just right in front of that, there are 3 little units. I was living in one of them with my friends. She was only just around the corner. Okay. Yeah, she's lived there Well, for 50 years, yeah. the world is not big enough. Anyway, we are running for our ship cruise today, and we are running a bit late, so I have to say bye. Yep. You have a lovely time, Yep. and see you later. Say Okay. my bye to Peter. I will. Yes. Yep. Bye bye. तो बाय बोल दिया है, काफी अच्छी लेडी, जहां भी जाएं थोड़ा आसपास के लोगों से बात करते रहें। जूली जी थोड़ा अंदर हो जाओ। जूली जी अपने इक्विपमेंट्स के साथ थोड़ा बिजी, अब लेडीज के जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो बताने की जरूरत ही नहीं है। तो उनको बिजी रहने दो उनके इक्विपमेंट्स के साथ। तो चलो बेल्ट लगा ले। 8 मिनट, 10:34 हो गए हमारे पास, सिर्फ बचे हैं 7-8 मिनट वहाँ तक पहुँचने में। 10:45 पे वो इनटेक शुरू कर देंगे। ग्यारह बजे वो शिप सेल ऑफ हो जाएगा, तो अच्छी बात नहीं है लेट होना। सुबह जल्दी उठ गए थे, फिर भी क्यों लेट हुए पता नहीं उसका रीजन नहीं बता सकते। ऐसे ही होता है, इसका कोई रीजन नहीं पता। जल्दी उठे, सारा काम जल्दी निपटाया फिर भी लेट हो गए।
जैसे ही रीजन पता चलता है आपको जरूर बताऊंगा। तो हमें अभी जाना है सीधा, इस टाउन से निकलते हैं और उस जगह जाते हैं जहाँ से हमारी पैडल बोट शुरुआत होगी। चलो थोड़े गाने सुने जाएं। तो उम्मीद करते हैं आज का दिन ज़्यादा भाग दौड़ वाला ना हो, क्योंकि हमने पिछले 4 दिन से काफ़ी भाग दौड़ कर रहे हैं, काफ़ी वॉकिंग कर रहे हैं। तो प्लान किया है कि आज थोड़ा रिलैक्स सा डे होगा, थोड़ा खाएंगे पिएंगे, साइट सीइंग करेंगे तो किसी चीज़ के सवारी के अंदर बैठ के, जैसे कि बोट किश्ती। तो ये जो बोट है ये पैडल बोट है जहाँ हम जा रहे हैं। तो पैडल बोट जो है वो ऐसा नहीं है कि उस बोट के पैडल लगे हुए हैं साइकिल वाले, या कोई अंदर पैडल मार रहा होगा अंदर बैठ के, तो उसके साइड में, बोट के साइड में लगे होंगे झूलार। अब झूलार याद होता अपने गांव में होते थे जो पानी सिंचाई का काम करते थे, झूलार नीचे जाता था पानी लेके आता था और फिर उस खांड में वो जो खोदी हुई होती थी छोटी सी मिनी नहर उसके अंदर डाल देता था और फिर वो पानी खेतों में सिंचाई के काम आता था। तो वैसे वैसे 2 झूलार लगे होंगे उस बोट के जो साइड में लगे होंगे दोनों तरफ, जब वो घूमेंगे तो पैडल का काम करेंगे और बोट आगे पीछे बढ़ेगी। तो आज एक अजीब ही एक्सपीरियंस होगा वहाँ पे जाके। और ये मरे ब्रिज का हाई स्कूल, ये स्कूल है जी, काफ़ी अच्छा बड़ा स्कूल है। स्कूल के साइज से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि शहर कितना बड़ा होगा। तो ये ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से इट्स अ गुड साइज स्कूल, ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कोई, तो ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से इट्स अ गुड साइज स्कूल। तो आबादी ठीक ठाक है इसका मतलब इस गांव की। तो जहां पे भी गिवे का साइन हो आपको रोकना है और लोगों को रास्ता देना है। ये बहुत बड़ा स्कूल है, देखो ये स्कूल का पीछे का हिस्सा और काफ़ी बड़े बड़े ग्राउंड पार्क्स। नॉर्मली स्कूल यहाँ पे ऐसे ही हैं सारे, विद बिग पार्क्स, बिग ग्राउंड्स, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, स्विमिंग फैसिलिटीज, ये सब कुछ होता है एक स्टैंडर्ड स्कूल में यहाँ पे। और ये सारे स्कूल सरकारी हैं, तो सरकार काफ़ी खर्चा करती है यहाँ हेल्थ इंडस्ट्री पे और एजुकेशन इंडस्ट्री पे। हाँ, स्कूल के बाद जब आपको यूनिवर्सिटी जाना होता है तो आपको कुछ एक फीस देनी पड़ती है अपने कोर्स की। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं उनकी फ़ीस डबल है, जो लोकल स्टूडेंट्स हैं, रेजिडेंट्स हैं या परमानेंट रेजिडेंट्स हैं जैसे, या सिटीज़न हैं, उनकी फ़ीस आधी है और उनको सरकार लोन ग्रांट कर देती है कि ये लो पैसे आप पढ़ाई करो, ये आपको लोन दे दिया है। और लोन चुकाना कब है, जब आप नौकरी लग जाओ और एक सर्टेन अमाउंट कमाने लग जाओ पर ईयर। फॉर एग्जांपल जब आप $60,000 पर ईयर कमाने लग जाओ तो उसी टाइम से वो आपकी पे में से थोड़ा 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 जो आपने लोन लिया है वो काटना शुरू कर देंगे और वो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका लोन भी कट गया। तो इस तरह से वो पैसे ले भी लेते हैं पढ़ाई के, फीस के, और क्या नाम है अपना लोन भी दे देते हैं और बच्चों को पढ़ा भी देते हैं। तो अपने इंडिया में भी ऐसा कुछ सिस्टम होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे तो यूँ है पढ़ने के बाद नौकरी की गारंटी है नहीं,
अगर नौकरी की गारंटी नहीं है तो सरकार लोन की भी गारंटी क्यों ले। सरकार कहेगी कि भाई लोन दिया था तुमने चुकाया नहीं, आप कहोगे नौकरी लगी नहीं, तो सरकार ने सोचा कि भाई भारत सरकार ने ये छोड़ो, क्यों लोन के चक्कर में पड़ना। हालांकि एक सिस्टम है वहाँ भी, इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए लोन दिया जाता है और दूसरे स्टूडेंट्स के लिए भी लोन दिया जाता है, बट काफ़ी लोगों को उसका प्रोसीजर ही नहीं पता और कितना लोन ग्रांट होता है कितना नहीं होता है इसका मुझे कुछ आइडिया नहीं है, बट इतना फ्रीक्वेंटली इतना इजीली अवेलेबल होगा इसका मुझे थोड़ा डाउट है। चलो एनीवे बैक टू आवर ट्रिप। ये कोई फैक्ट्री लग रही है पुरानी, किस चीज़ की फैक्ट्री है पता नहीं। अब हम आ गए हैं उसी जगह जहाँ पे हम कल थे। मरे ब्रिज तो कहाँ से शुरू होगा ये पता नहीं, शायद वहाँ से शुरू होगा पैडल बोट का प्रोग्राम। एक बोट खड़ी हुई तो दिख रही है, हाँ कैप्टन प्राउड, शायद यही है हमारा कैप्टन प्राउड पैडल बोट। शायद से तो यही है, तो टाइम हो गया 10:42। ओके तो आइए, मास्क ले लेना याद से। मैं पता करता हूँ, मेरा फोन लाना है उतार के। ओ पैडल बोट उधर है शायद, चलो मैं पूछता हूँ फोन में, बाहर उतरो मेरा फोन दो, आओ चलो जल्दी। तो एक बोट और वहाँ पे खड़ी है जिसके पैडल, पानी अंदर मिल जाएगा ले आओ, हाँ रहने दे अभी अभी रहने दो। कैप्टन प्राउड तो यही है, चलो इनसे पूछते हैं। साढ़े सरोज आई थिंक, हाँ ले आओ, कि हम ही बचे हुए हैं कैप्टन प्राउड पैडल, ये है वो बोट। पैडल व्हील क्रूज आई थिंक यही वो बोट है, और हमने आई थिंक वी मेड इट, टाइम पे पहुंच गए। हेलो सर, इज इट द प्राउड पैडल फॉर, कैन यू प्लीज कम ऑन एट बोर्डिंग टाइम, दौड़ के आओ। In a minute we're going to be driving past that beautiful big boat, so you'll be able to take a photo with it. Okay, thank you sir. Boarding time is now. Now, okay, we just made it. Tell him not to run. Don't run. He's playing with his camera. ओ रात ही हमारी टांग खींच दी गई है हमारे प्रिय कैप्टन के द्वारा। सो आई एम गोइंग, ओके यू गॉट मास्क,
Yes, we've got them on first. तो आते ही हमारी टांग खींच दी गई है कैप्टन के द्वारा, काफ़ी मजाकिया लग रहे हैं और हमारा ही इंतज़ार हो रहा था. ओके, थैंक यू कैप्टन. सो कैप्टन है, yeah, so just check in at the bar, let them know who you are, and thank you, sir. Yeah, you're going to do no salt on all of them. Yeah, no salt on this table. No salt on the whole table. Yeah, to make it easier. Hey, how are you going? Hi, buddy. What name are we booked up there? Amit. The two people? Yep. Thank you very much. Start having a look over your menu. Jake will come around tomorrow. Do that. No worries.